हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम क्या बना रहे हैं? निमोना। निमोना जो है यूपी की एक फेमस डिश है। सो ये मटर के निमोने बनते हैं। आज हम बनाएंगे हरे छोले के निमोने। सो आप इसे चावल के साथ, यू नो, गर्मा गर्म चावल और खूब सारा निमोना दाल की जगह डाल के खाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है। पर मैं कैसे खाऊंगी? हम लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, तो हम बोल भर के निमोना लेंगे, खूब सारे कच्चे प्याज, अदरक के लच्छे, नींबू का रस डाल के खाएंगे। तो देखें कि कैसे बनता है चटोरी रजनी के स्टाइल में। तो देख लेते हैं हम पहले निमोने के इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने तीन छोटे प्याज काटे हैं। बड़े प्याज हो तो दो काफ़ी हैं, और उतनी ही मैंने टमाटर काटी है, तीन छोटी टमाटर। ये दो से तीन तीन कलियाँ मैंने लहसुन ली है, और एक 1.5 इंच मैंने बड़ा अदरक लिया है, और ये मैंने धनिया पत्ती काट के रखी है। यहाँ पे मैंने दो आलू को काट के ऐसे इस साइड में, ना बहुत बड़े ना छोटे, पानी में भिगो दिया है। और ये मैंने छोले हैं हरे, जो धो के रखे हैं। अब सबसे पहले थोड़े से छोले हम ले लेते हैं, सारे नहीं पीसूंगी, हल्के से रख देंगे ताकि मुंह में आए, उसका टेस्ट है ना बहुत मजा आता है। तो अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में या सिलबट्टे पे भी क्रश कर सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जब मिक्सी में करें तो इसका बिल्कुल है ना पेस्ट या चटनी नहीं बना ले, थोड़ा दरदरा रखें ताकि मुंह में आते हुए का जो है स्वाद आए। मैं कुछ इस तरीके से इसे क्रश कर रही हूँ। देखिए अब मैं पूरा क्रश कर लूँगी इसे। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में, और अब मैं पीस लूँगी प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया एक तरफ और टमाटर एक तरफ। आप चाहें तो टमाटर धनिया के साथ भी पीस सकते हैं। तो मैं इनको भी पीस के रेडी कर लेती हूँ। सो अब यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक और लहसुन को पीस के पेस्ट बना लिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है टमाटर और हरा धनिया, ये मिक्सी में पीस के मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना निमोना बनाना। और आज ये जो निमोना है मैं बना रही हूँ एक स्पेशल क्ले पॉट के बर्तन में। ये देखिए कुछ इस तरीके का बर्तन है, जो मेरे किसी फॉलोअर ने, नाम तो नहीं पता पर मुंबई से आया है ये शिपमेंट, हमें इतना पता है। तो थैंक यू सो मच जिस किसी ने हमें ये भेजा है। ये बहुत ही सुंदर क्ले पॉट है स्लो कुकिंग के लिए, और इसके साथ है इसका एक हैवी सा और प्यारा सा ढक्कन। एंड आई वाज सो एक्साइटेड मिलते ही कि आज तो इसमें मुझे स्लो कुकिंग करके निमोना ही बनाना है। तो बहुत बहुत थैंक यू चटोरी रजनी की तरफ से। अब चलते हैं हमारे निमोने की तरफ। सो मैंने सीजनिंग करने के बाद ये मेरा क्ले पॉट है बिल्कुल तैयार यूज करने के लिए। अब इसका ये ध्यान रखना है कि आपको स्लो आंच पे इसमें खाना बनाना है। सो अब हमारे क्ले पॉट में मैंने ये डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाने से ना इसका काफी अच्छा स्वाद आता है। अब हम वेट करेंगे इसका गर्म होने का, और धीमी आंच पे ही कुक करना है इस तरीके क्ले पॉट में आपने। सो तेल जो है बढ़िया से गर्म हो गया। ये जो चने हमने कूट के रखे थे हरे छोले, वो मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसे हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। धीमी आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक ये थोड़ा सूख भी जाए पर लेकिन सॉफ्ट भी रहे। सो अगर आप ये स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं या कुकर में तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं क्ले पॉट में कर रही हूँ तो ये धीमी धीमी आंच पे इसको टाइम लगेगा। निमोना जो है ना बहुत तरीके से बनाया जाता है, और जैसे जैसे आप हर घर जाएंगे ना तो उसका स्वाद, इंग्रेडिएंट सब कुछ बदलते जाएंगे। सो बेसिक तो है कि हरे छोले हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, आलू है, धनिया पत्ती है, तो प्याज, लहसुन, अदरक कई जगह पे डलता है और कई जगह पे नहीं। तो मैं आज ये वाला ही ट्राई कर रही हूँ, प्याज लहसुन अदरक वाला। अगली बार हम इनके बिना भी बना के देखेंगे कि आपको कैसा लगता है। तो अब मैं इसे अच्छे से कुक होने दूंगी धीमी आंच पे। सो अब जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे आप देखेंगे ये हल्का हल्का चिपक रहा है। डोंट वरी,
ये चिपकेगा, पर आपने इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। ये ऐसा नहीं कि आपने गैस पे छोड़ दी, चलो हम कोई और काम कर लें, भाई साहब ये चिपक के चल जाएगा। सो हर दो तीन यू नो सेकेंड्स के बाद या 5-6 सेकेंड्स के बाद आप इसे हल्का हल्का हिलाते रहिए ताकि ये चिपके ना और सब तरफ से अच्छे से भून जाए। सो ये काफ़ी देर मैंने भून लिया है, आप चाहें तो और भून सकते हैं। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर हल्का सा चिपकता है तो डोंट वरी, वो चिपकेगा, पर जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो वो सारा जो चिपका हुआ है वो उतर के आ जाएगा। ये मैं हल्का सा तेल और डाल लेती हूँ। तो अब मैं मसाले डालने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जीरा, अब मैं डालूंगी इसमें हींग हल्की सी, दिस इज ऑप्शनल, आपका मन हो तो डाले वरना ना डाले। और अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज की, प्याज टमाटर अदरक और लहसुन की पेस्ट जो हमने बनाई थी, और इसे हम बढ़िया सा भून लेंगे इसमें, जब तक ये एकदम यू नो पानी इसका सूख नहीं जाए। सो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है हमारा प्याज का मसाला सूख गया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर अगेन आपके स्वाद के अनुसार, ये डालूंगी मैं इसमें नमक, मैंने प्लेन नमक डाला है और थोड़ा सा काला नमक क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। सारे मसाले जो है उनको भी हम हल्का हल्का भून लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब जो है मैं इसमें टमाटर और धनिया की जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देती हूँ। सब कुछ मिक्स कर देते हैं। और इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे जब तक टमाटर का जो पानी है वो पूरा जल नहीं जाए और टमाटर पूरी पक नहीं जाए। तो ये मैं लगा देती हूँ ढक्कन ताकि वो टमाटर उछल के ना सब जगह ना गिरे, मुझे थोड़ा कम पसंद है वो गंदगी फैलती है। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने कुक करने के बाद, ये देखिए हल्का हल्का, अभी मैंने गैस बंद रखी क्योंकि बहुत उछल रहा था। ये देखिए बढ़िया से कुक होके हल्का हल्का तेल ऊपर आ गया। ये जो हमारे कच्चे आलू मैंने काट के रखे थे और जो छोले जो मैंने पीसे नहीं थे ना वो डाल देती हूँ। मिक्स कर देंगे हम इनको अच्छे से। और ये जो निमोना हमने सॉरी ये जो हरे चने हमने किए थे पहले फ्राई वो डाल देते हैं। आप चाहें तो आलू पहले फ्राई करके भी रख के डाल सकते हैं, पर आई थिंक दो काम नहीं करके इकट्ठे करने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सारा हम कर सकते हैं मिक्स। और ये जब मैंने चने पीसे थे, छोले पीसे थे, तो उस कुंडी छोटा को मैंने धोया है तो ये पानी निकला है, ये और कुछ भी नहीं है, चने का ही पानी है जो उसमें चिपका हुआ था सिलबट्टे में, वो धो के निकाला मैंने। तो ये मैं खूब सारा पानी, आप पानी उतना डालिए जितना आपको ज़रूरत हो निमोने के लिए, ये अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आलू मैंने जो लिए हैं वो कच्चे हैं, ध्यान रहे। और अब मैं गैस ऑन करके धीमी कर दूंगी और धीमी गैस में ढक्कन लगा के इसे मैं धीरे धीरे कुक करूंगी 5-7 मिनट 8 मिनट तक, जब तक आलू जो है पूरे कुक नहीं हो जाए और इनका आपस का फ्लेवर मिल नहीं जाए। अब देखिए काफ़ी देर कुकिंग करने के बाद, क्योंकि धीमी आंच पे कर रहे हैं इसलिए टाइम लगा, आप अगर कुकर में 3-4 सीटी बजाएंगे तो बहुत जल्दी होगा, अगर नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे तो और भी जल्दी होगा। और अगर आप चाहें तो आलू को पहले हल्का सा तेल में अच्छे से भून के एक ब्राउन सा टिंट ला के करेंगे तो और भी जल्दी कुक होगा, क्योंकि हमारे कच्चे आलू थे इसीलिए हमें टाइम लगा। ये देखिए
आलू हमारे पक चुके हैं। सो आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए, या जैसे मैं खाना प्रेफर करती हूँ ऐसे कटोरी में। अब मैं इसके ऊपर खूब सारे कच्चे प्याज डालूंगी और हल्का सा नींबू का रस निचोड़ूंगी और अदरक के लच्छे डाल के मैं इसे रात को खाऊंगी और ऐसे ही मेरे हस्बैंड को सर्व करूंगी। तो बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और अगर आप बनाते हैं तो आप क्या वेरिएशंस लाते हैं इसमें, वो भी हमें ज़रूर बताएं। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।